नमस्कार दोस्तों, मार्कंडे टिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ना, इन्फिनिक्स मोबाइल है, इन्फिनिक्स या 4G रहे या 5G मोबाइल है, उसमें आप कैसे कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यही बताने वाले हैं कि आप कॉल को दूसरे नंबर पर कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सा मोबाइल चला रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग पर। देखिए सेटिंग पर नहीं दोस्तों, सेटिंग पे नहीं, आपको आ जाना है डायल पैड पे। यहाँ पर 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर टच करना है, सेटिंग वाला ऑप्शन पर टच करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कॉलिंग अकाउंट, इस पर टच करेंगे। यहाँ पर जो भी सिम लगा रहेगा यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा, इस पर टच करेंगे। यहीं पर आपको दिख जाएगा कॉल फॉरवर्डिंग, आप देख सकते हैं, इस पर टच करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, यहाँ पर दो दिया है वॉइस, यहाँ पर वॉइस कॉल करना है या वीडियो कॉलिंग फॉरवर्डिंग करना है। तो दोस्तों, यहाँ से दोनों सेटिंग हमने वॉइस कॉलिंग पर सेट टच कर दिया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमने पहला वाला ऑप्शन फॉरवर्डिंग वाला ऑप्शन पे आप टच करेंगे तो यहाँ पर नंबर डालने का आएगा। अगर नंबर जो भी नंबर डाल देंगे उस पर कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। और यहाँ से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टेक्ट है, मतलब जो भी नंबर सेव है, जिस नंबर पे आप मतलब भेजना चाहते हैं, कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो नंबर यहाँ पर सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका फ़ोन का कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक नंबर डाल लेते हैं और नंबर डाल के यहाँ पर टर्न ऑन कर दिया। अब क्या होगा, जब भी मेरे नंबर पर कॉल आएगा, जिस नंबर पर, इस नंबर पर ऑटोमेटिक कॉल फॉरवर्डिंग होने लगेगा। अगर ये एक नंबर बंद है तो इस नंबर पर कॉल आ जाए। अगर मेरा नंबर बंद है, स्विच ऑफ है, मोबाइल ख़राब है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम से बंद है, तो इस नंबर पर कॉल जाने लगेगा। अगर इसको बंद करना चाहते हैं तो फिर उसी पर टच कीजिए, यहाँ पर टर्न ऑफ कर दीजिए, तो ये मतलब कॉल फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगा।